साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं रचना और स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल रचना गुप्ता ब्लॉग्स पर, जिस पर आप लोग देख रहे हैं फैमिली ब्लॉग्स, फिटनेस ब्लॉग्स, मेरी डेली वेट लॉस जर्नी, डेली रूटीन, फिटनेस टिप्स, हेल्थ टिप्स, वेट लॉस टिप्स और एक्सरसाइज वाली वीडियोस। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब चीज़ें पसंद आ रही होंगी। और आज की जो ये मेरी वीडियो है, इसमें मैं, ये बहुत ज़्यादा स्पेशल वीडियो है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से सिर्फ बातें करूँगी और बताऊँगी कुछ बहुत ही अच्छी शानदार टिप्स और कुछ बहुत ही अच्छी बातें। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सविकार सर का। जैसा कि आपने अब तक देखा कि मैं आप सब लोगों को जो 32 बार वाला फॉर्मूला बताती हूँ, वो फॉर्मूला मैंने सबसे पहले सविकार सर की वीडियोस में ही देखा था। और उसके बाद फिर जब मैंने उनकी वीडियो से जब मुझे मोटिवेशन मिला और मैंने उन चीज़ों को फॉलो करना शुरू किया, तब मैंने और भी जगह बहुत सारी वीडियोस देखी, बुक्स पढ़ी। तो मुझे कुछ आयुर्वेद की बुक्स में भी मिला कि ये जो 32 बार वाला फॉर्मूला है, ये सदियों से हमारे ऋषि मुनि वगैरह भी यूज़ करते आ रहे हैं। पुराने ज़माने से ही, यानी कि ऋषि मुनि और राजा महाराजाओं के ज़माने से ही खाने को हमेशा तसल्ली से और शांति से धीरे धीरे चबाकर ही खाया जाता था। बट जैसे जैसे आगे जनरेशन बढ़ी, वैसे वैसे इंसान के पास समय कम हो गया, वो ऐसी चीज़ों में उलझ गया जिससे उसने हर चीज़ के लिए समय निकाला लेकिन खाने के लिए समय नहीं निकाला। आप में से कितने लोग मेरी इस वाली बात से सहमत हैं, मुझे कमेंट करके बताना और कमेंट में यस टाइप करके ज़रूर मेरा समर्थन कीजिएगा। तो हम लोग इस चीज़ को भूल चुके थे और उसके बाद सविकार सर ने इस फॉर्मूले को फिर से जनता को इससे रूबरू कराया और आज की डेट में उनके इस फॉर्मूले से लाखों लोगों ने अब तक अपना वज़न कम किया है। मैंने खुद अपना 20 किलो वज़न कम किया है। तो मैं सबसे पहले तो सविकार सर को दिल से बहुत ही बड़ा वाला थैंक्स बोलना चाहती हूँ। उन्होंने मेरा एक इंटरव्यू लेकर अपने चैनल पर वीडियो भी बनाई थी, अगर आप लोग उसे देखना चाहो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, मुझे कमेंट करके बताना तो मैं लिंक नीचे डाल दूँगी। और तब जब उन्होंने मेरे साथ मेरी जर्नी की वीडियो बनाई थी, तब मेरा 13 किलो करीब वेट कम हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे करके मेरा और भी ज़्यादा वेट कम हुआ है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मुझे सर की वीडियोस को देखकर मिला। उसके बाद फिर जब मैंने धीरे धीरे इन सब चीज़ों के बारे में जाना, तो मुझे भी मोटिवेशन मिला कि जैसे मैंने अपना इतना वेट कम किया है, वैसे मैं आप लोगों की भी मदद कर सकूं। क्योंकि सविकार सर की मदद से घर पर बैठे ही, बिना किसी चीज़ की मदद से, बिना पैसे खर्च किए, घर के सारे काम करके और अपनी सारी की सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए ही मैंने अपना इतना वज़न कम किया है। और मेरी तरह जो इतनी सारी हाउसवाइफ्स हैं जिनके पास समय नहीं होता, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, लेकिन अपना वज़न कम करना है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बॉडी में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हैं। जैसे मैंने अपने हेल्थ इश्यूज़ कम किए, जब वेट कम हो जाता है तो हेल्थ इश्यूज़ भी ठीक होने लगते हैं। उसी तरीके से मैं ये चाहती थी कि मैं और लोगों की भी मदद कर सकूं। जैसे मैंने एक वीडियो ने मेरा जीवन बदल दिया, जैसे सविकार सर की वीडियो ने मेरा जीवन बदल दिया, वैसे ही मैं ये चाहती थी कि मैं भी अपनी वीडियोस की मदद से आप सब लोगों की कुछ मदद कर सकूं। तो इसीलिए फिर मैंने अपना ये YouTube चैनल बनाया और आप सब लोगों के साथ शुरू की मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी की बातें शेयर करना, मैंने क्या खाया, कैसे खाया, वही सब कुछ मैं आप सब लोगों से वीडियोस के थ्रू शेयर करती हूँ। और आप में से कितने लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, ये भी मुझे कमेंट करके बताना। और आप किस सिटी से मेरी वीडियो को देख रहे हैं, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि मैंने लगभग कितने टाइम में अपना वेट कम किया है। तो टोटल अगर आप कहेंगे कैलकुलेट करके, तो मैंने लगभग 8 महीने में अपना 20 किलो वज़न कम किया है। लेकिन मैंने 13 किलो वज़न कम होने के बाद बीच में अपनी वेट लॉस जर्नी को रोक दिया था, क्योंकि बॉडी में बहुत वीकनेस आ गई थी, घर वालों से बहुत ज़्यादा डांट पड़ती थी मुझको कि क्या पागलपन सवार हो गया है वेट कम करने का। लेकिन फिर जब मैंने फिर लगभग 1 साल ना इसको छोड़ दिया, ठीक है, और नॉर्मल रूटीन जैसे मैं पहले करती थी वैसे ही शुरू कर दिया, लेकिन उसके बाद भी मेरा वज़न जब नहीं बढ़ा ना इससे, तब मुझे मोटिवेशन मिला कि थोड़ा और वज़न कम करते हैं। तो बस इसी तरीके से मैंने अपना 20 किलो वज़न कम किया टोटल 8 महीने में। और मुझे बहुत अच्छा फील होता है, कहीं पर जाती हूँ तो सब लोग बहुत अच्छे से बात करते हैं और मुझे इतने इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। सब लोग मुझसे कहते हैं मैं एज से अपने 10-12 साल छोटी लगती हूँ, तो बस एक औरत को और क्या चाहिए। ये बात सबसे बड़ा मोटिवेशन पॉइंट होता है हम औरतों के लिए कि हम अपनी एज से यंग लग रहे हैं, वो भी 10-12 साल, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए भी। और जब आप सब लोग अपना वेट लॉस करोगे, तो जब आप सब लोगों को भी अच्छे अच्छे टिप्स मिलने लगेंगे, तो आपका मोटिवेशन अपने आप ही बन जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में आप सब लोगों को अपना मोटिवेशन बना के रखना पड़ेगा।
तो ये तो बात की मैंने अभी तक स्वीकार सर के फॉर्मूले के बारे में। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती थी कि अभी स्वीकार सर ने शुरू किया है नया 21 डेज का चैलेंज, है ना, यानी कि उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो कि मैं अभी इस वीडियो में तो नहीं बता रही, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लेकिन मैं ये बताना चाहती थी कि मैं अब कोई वेट लॉस चैलेंज क्यों नहीं ले रही, क्योंकि चैनल पे कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मैम अपना वेट दिखाइए, आप वेट लॉस चैलेंज शुरू कीजिए। तो एक्चुअल में मैं वेट लॉस चैलेंज अभी ले नहीं सकती, क्योंकि एक तो ऑलरेडी मैं 20 किलो अपना वेट कम कर चुकी हूँ, मैं आप सब लोगों से शेयर कर रही हूँ और आपकी मदद कर रही हूँ कि आप लोग कैसे अपना वजन कम करो। अगर मैं अपना और वेट कम कर लूँगी तो घर वालों ने जो अब तक मुझे इतना सुनाया है, अब तक इतना डांटा है, वो फिर पता नहीं कितना डांटेंगे। और बहुत ज़्यादा पतला मुझको भी नहीं होना, अब बस मुझे अपनी बॉडी मेंटेन करके रखनी है, अपना वजन मेंटेन करके रखना है कि ना बढ़े और ना घटे, क्योंकि बॉडी हाइट के हिसाब से बॉडी की जो शेप होती है वो भी ज़रूरी होती है, वरना हम लोगों के ऊपर कपड़े नहीं अच्छे लगते। बहुत ज़्यादा स्लिम बॉडी भी बहुत ज़्यादा पतली, मतलब जैसे बोलते हैं जीरो फिगर, वो फिगर भी नहीं अच्छी लगती। तो मैंने अपने हिसाब से काफ़ी वजन कम कर लिया है और अब बस मुझे अपना वेट मेंटेन करके रखना है, इसीलिए मैं ये जो 21 डेज का वेट लॉस चैलेंज है ये नहीं ले रही हूँ। लेकिन आप सब लोगों के लिए मैं वेट लॉस चैलेंज जरूर लेकर आऊंगी, जल्दी लेकर आऊंगी। तो अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो और अभी तक आपने मेरी वीडियोस को नहीं देखा है, पहली मेरी वीडियो को देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चैनल पे जाकर पीछे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं जो आपके बहुत सारे काम आएंगी। अब तक मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स ने मेरी वीडियोस को फॉलो करके काफ़ी वजन कम कर लिया है। एक फ्रेंड है मेरी प्रिया भारद्वाज, प्रियंका भारद्वाज, उन्होंने लगभग 15 किलो वेट कम किया है। एक और फ्रेंड है मेरी नीतू, उसने लगभग 15 किलो वेट कम किया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मेरी वीडियोस को फॉलो करके आप सब लोगों को भी फायदा होता है और आप सब लोगों का भी वेट लॉस होता है। तो इसी तरीके से आप लोग अपना मोटिवेशन बना के रखो। बाकी मैं तो हूँ ही आप लोगों के साथ फिटनेस टिप्स प्रोवाइड कराने के लिए, वेट लॉस टिप्स प्रोवाइड कराने के लिए। मैं आपको एक्सरसाइज भी प्रोवाइड करा रही हूँ कि जो लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं वो लोग एक्सरसाइज करें, क्योंकि वेट लॉस के बाद बॉडी जब लटकने लगती है तो वो एक्सरसाइज से ही टोन होती है, इसलिए थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमें अपनी वेट लॉस जर्नी में। तो मैं अभी कोई भी 21 दिन या 30 दिन का वेट लॉस चैलेंज नहीं ले सकती। हाँ, मेरी वेट लॉस जर्नी, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि स्टॉप हो गई है, क्योंकि वेट को मेंटेन करके बना के रखना बहुत टिपिकल काम है। जब वेट कम हो जाता है, और वो भी जैसे हम लोगों की फिजिक होती है ना, मेरी फिजिक तो ऐसी है कि पानी भी पी लो तो फूल जाता है, ऐसे बोलते हैं ना, कहावत है ना, कि मतलब ऐसे होता तो नहीं है कि पानी पीने से किसी की बॉडी नहीं फूलती, लेकिन ये कहावत है ना कि अगर हम पानी भी पीते हैं तो बॉडी फूल जाती है। तो मेरी बॉडी भी बिल्कुल उसी तरीके की है कि जरा सा कुछ ज़्यादा हाई कैलोरी वाला फूड खा लिया, मार्केट का जंक फूड खा लिया, तो मेरी बॉडी पे तुरंत ही ब्लोटिंग और स्वेलिंग दिखने लगती है। तो मुझे अपनी बॉडी मेंटेन करके रखने में ही काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है। तो मैं आप सब लोगों के लिए ज़रूर डाइट प्लान लेकर आऊँगी, 21 डेज का वेट लॉस चैलेंज और 30 डेज का वेट लॉस चैलेंज जल्दी लेकर आऊँगी, जिससे कि आप त्योहारों से पहले ही अपना वजन कम कर सको, ठीक है। तो डाइट प्लान मैं आप सब लोगों से शेयर करूंगी ज़रूर, जिसे आप फॉलो करके अपना त्यौहार से पहले लगभग 10 किलो करीब आप लोग वेट कम कर लें और अपने त्यौहार पे देखें एकदम स्लिम आकर्षक, और सब लोग आपसे कहें कि वाओ क्या सेक्सी बॉडी हो गई है आपकी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। और ये जो खुशी होती है ये फेस पे झलकती है, फेस का ग्लो बढ़ जाता है जब अंदर से खुश होते हैं हम लोग। तो बस, तो कौन कौन चाहता है कि मैं डाइट प्लान शेयर करूं आप सब लोगों के साथ, और कौन कौन मेरे साथ ये 21 डेज का या 30 डेज का वेट लॉस चैलेंज लेना चाहता है, मतलब मैं नहीं लूंगी लेकिन मैं आप लोगों से शेयर करूंगी और आप लोगों की मदद करूंगी, आप लोगों को टिप्स प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगी। तो अगर आप सब लोग ये सब चीज़ें चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड मैं आप सब लोगों के लिए जल्दी ही वीडियोज़ बनाऊँगी। और बाकी आप लोग चैनल पे जाके पीछे मेरी, मैं काफ़ी सारी अब तक अपने ब्लॉग्स में वेट लॉस रेसिपीज़ भी शेयर कर चुकी हूँ, इवन मैंने वेट लॉस पिज्जा रेसिपी भी शेयर की थी, आप उसको भी ट्राई कर सकते हो, बहुत ज़्यादा हेल्दी। मैंने कुछ स्मूदीज़ भी शेयर की थी, और जल्दी ही मैं आप सब लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँगी वेट लॉस वाली, जिनको यूज़ करके आप आराम से अपना वेट लॉस कर सकते हो और आपकी बॉडी में कोई वीकनेस भी नहीं आएगी। तो वंस अगेन एक बार और स्वीकार सर के लिए दिल से धन्यवाद कि इतना मोटिवेशन दिया उन्होंने, और उनकी बताई हुई फॉर्मूले से वेट मेंटेन करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिल रही है। और बाकी आप सब लोगों में से जो जो लोग 21 दिन का वेट लॉस चैलेंज लेना चाहते हों वो सब लोग कमेंट करके बताना, तो मैं जल्दी से फिर डाइट प्लान बना के आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए मैं चलती हूँ और आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।